फ्लास्क के साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आज हम स्टार्ट करेंगे ना वो है बेसिकली कि क्रूड एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हम चार टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उन चारों में सबसे पहले बेसिकली हमारे पास क्या है, क्रूड एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अब क्रूड्स जो है ना बेसिकली हम यूज करेंगे MySQL के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको MySQL इंस्टॉल करनी पड़ेगी सिस्टम में। उसका आसान तरीका यह है कि आप ना XAMPP इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो XAMPP इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें आपको दो चीजें मिल जाएंगी। एक तो पाथ मिल जाएगा वेब सर्वर, क्योंकि हम इस कोर्स में यूज नहीं कर रहे, बट वी कैन यूज MySQL। और इसमें ना आपको एडमिन मिल जाएगा जिससे आप डेटाबेस बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जब इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसको डाउनलोड कर लें। जैसे मैंने ये 64 बिट वाला किया हुआ है, बेसिकली 7.4 वाला, तो इट्स वर्किंग ऑन माई सिस्टम। आप अपने सिस्टम के मुताबिक उसको ले सकते हैं। इसमें जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से जब आप फ्रॉड मेन्यू में जाएंगे, एग्जाम टाइप करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगी। ठीक है, आप इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। मे बी वो आपसे कोर्स का भी पूछे कि अलाउ करनी है या नहीं करनी, तो आपने कोर्स को क्या करना है, अलाउ करना। अच्छा, अभी मेरे पास ये एप्लीकेशन चल रही है, बेसिकली जब आप स्टार्ट लॉन्च करेंगे तो ऐसे आएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी आपसे कोर्स के बारे में भी पूछे तो आपने अलाउ कर देना है। ठीक है जी, तो अभी MySQL मेरे पास करेंगे। अब ये चेक कैसे होगा, तो चेक करने के लिए जो है ना आपको सिंपल लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट, और जैसे आप लोकल प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली बाय पोर्ट 80 के बाय डिफॉल्ट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखना है, क्लिक करना है कि इस एडमिन पे, और जब आप पेज में एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे देखें डेटाबेस है, SQL है, स्टेटस है, यूजर अकाउंट है, ये वो चीज़ें जो बेसिकली डेटाबेस में सिस्टम का पार्ट है जो आप कोर्स में पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो फॉर दिस कोर्स हमने बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करनी है CRUD के नाम से। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आप CRUD टाइप करेंगे, क्रिएट करेंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास इस तरह से लेफ्ट सेक्शन में लिस्ट होगी। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल है, ये टेबल आपको मिलेगा बेसिकली मैं जो कोड आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें। तो आपने जस्ट उसको इम्पोर्ट करना है। वो इम्पोर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास जब आप ब्लैंक जाएंगे तो उस तरह से आ रहा होगा, टेबल नजर आ रहा होगा, जस्ट ये आ रहा होगा। तो आप यहाँ सिंपली इम्पोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और चूज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये फाइल आपको दी जाएगी CRUD वाली। ठीक है, CRUD.SQL, तो आप इसको सिलेक्ट करके सिंपली इम्पोर्ट करना। जैसे अभी मैंने चूज कर ली तो यहाँ पे नीचे इम्पोर्ट की ऑप्शन आएगी, तो ये फाइल जो है बेसिकली क्या हो जाएगी फिर इम्पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो है थोड़ा सा डेटाबेस का कि आपने डेटाबेस कैसे बनानी है। अब हम थोड़ा सा CRUD के बारे में देखते हैं। तो CRUD बेसिकली मैंने एक इंटरनेट पे अवेलेबल था, किसी पर्सन ने शेयर किया है, मैंने उससे लिया है और मैंने उसको अपने GitHub रेपो पे शेयर कर लिया है। तो ये बेसिकली उसका लिंक है, ये लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आप सारा CRUD ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे CRUD.SQL भी पड़ी हुई है और बाकी पड़ी है। बेसिकली मैं क्या करूँगा, आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा रन करके दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि इस CRUD को आपने अपने PC पे कैसे रन करना है, प्लस आपको इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करवाना है CRUD का। ठीक है, तो दो चीज़ें आपके पास होगी, एक आपने GitHub तो ये CRUD लेना है, इसका लिंक मैं आपको दूंगा, दूसरा आपने डेटाबेस का ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, प्लस हमने विजुअल स्टूडियो तो पहले इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एनाकोंडा, ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ एनाकोंडा में आप आएंगे और अपना पाइथन वाला इन्वायरमेंट क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया। अच्छा,
ये तो आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ये करना है कि आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा गिटहब पे, ये वाला, इससे कोड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ जाए और सिंपल इसको डाउनलोड है, तो ये सारा कोड आपके पास विदिन फ्यू सेकेंड्स मशीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आपके लोकल मशीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आके। अच्छा, अभी मैंने जो है ना ये कोड यहाँ पे रखा हुआ, ये जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये क्रूड वाली फाइल होगी और ये जो app.py हम बनाते थे उसमें इसको इनिट का नाम दिया हुआ है, टेम्पलेट्स का फोल्डर है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि MVC में टेम्पलेट बनाते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो बेसिकली इसमें हम व्यू प्लेस करते होते हैं जो HTML वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक स्टैटिक का फोल्डर है, तो स्टैटिक का फोल्डर में बेसिकली jQuery टाइप ऑफ थिंग्स को स्टोर करने के लिए, मतलब जो बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, स्टडी के उनको स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। उसने ऑलरेडी स्पोर्ट में किया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने वैसे एक फोल्डर में किया हुआ है, तो आपको तरीका मैं बता देता हूँ दोबारा। आप यहाँ से जाएंगे ओपन फोल्डर और वो जहाँ पे आपने फोल्डर रखा हो उसको सेलेक्ट कर लें, सिंपल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये इस तरह से आपके पास कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, मतलब ये एडिट वाली फाइल आ जाएगी और अगर आप टेम्पलेट वाला फोल्डर ओपन करेंगे उसमें ये चार फाइलें नजर आएंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप स्टैटिक वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो आपके पास ये तीन चार चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। तो ये तो आपका ना कोड कन्फिगर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कोड करता क्या है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, क्रूड एप्लीकेशन जो है मतलब डेटाबेस से कनेक्ट होती है, उसके रिकॉर्ड आपको लिस्ट करवाती है, आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं या तो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करें, रन करके देख लेते हैं, तो लेट्स से हम इसको जी करते हैं रन। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले का बटन नजर आ रहा होगा राइट साइड पे, ये वाला आप उसको प्लेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टिंग मोड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप नीचे वो कंसोल वगैरह दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन की हुई थी, तो इस वजह से वो इस तरह से आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, अब देखें आपके पास में दो सर्वर चल रहे हैं, एक तो अपाची चल रहा है जिसमें डेटाबेस पड़ा हुआ है, दूसरा आपका अब ये चल रहा है पाइथन वाला। तो पाइथन वाला जो है ना वो पोर्ट 5000 पे चल रहा होता है, जैसे ही आप लिखेंगे पोर्ट 5000 तो आपके पास पाइथन वाला सर्वर चल पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ये कोड नहीं लिखेंगे तो फिर आपके पास अपाची चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना, जैसे मैं प्रेस कर लीजिए देखिए फर्स्ट स्क्रीन आ रही है जिसके ऊपर सारे रिकॉर्ड लिस्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड आ कहाँ से रहे हैं, बेसिकली ये इस डेटाबेस से आ रहे हैं, गूगल डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल, उसमें ये सारे रिकॉर्ड पड़े, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहे हैं, इसी तरीके से आप देखें इस वाले को हम क्या कहते हैं, लिस्ट स्क्रीन या व्यू स्क्रीन। इसके बाद देखें तो आप न्यू स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट ऐड करने के लिए जस्ट आई टाइप द नेम, इसको मैं कहता हूँ ईमेल आपके पास डेटा कहाँ पे आ गया उस लिस्ट के अंदर। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, यहाँ वेब सर्वर जब मतलब एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की है वेब सर्वर के पास, पाइथन के वेब सर्वर के पास, उसने जो है ना MySQL डेटाबेस सर्वर में डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने किसी स्टूडेंट को एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो उसको डेटा लोड करके दिखा देता है। आप इसको उसका नाम चेंज कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं अली खान का नाम था और नंबर इसका ये था, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड फीचर है क्रूड एप्लीकेशन का, मतलब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, इस तरह कोई रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तीन चार फंक्शन हैं, इसको हम देखेंगे ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, फ्लास्क यूज कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स डिग आउट इनटू द कोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफॉल्ट राउट पे हमारे पास क्या लोड हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम जनाब इसकी फाइल खोलते हैं मेन वाली और उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें जी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ये हम आपको पहले बता चुके हैं क्लास में, मतलब फ्लास्क इंपोर्ट कर। उसके बाद उसने इंपोर्ट किया है रेंडर टेम्पलेट, बेसिकली ये MVC का पैटर्न जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको लोड करने के लिए
फंक्शन है लाइब्रेरी से मैंने प्रोवाइड किया था फ्लास्क में, इस तरह एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब यूजर कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है किसी यूआरएल की, या कोई फॉर्म सबमिट करता है, वो लॉगिन की स्क्रीन क्लिक करता है, वो साइन अप पे क्लिक करता है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है जो यूजर नेम पासवर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन क्लिक होती है इस ऑब्जेक्ट के वजह से, ठीक है। उसके बाद एक कोड से जो रीडायरेक्ट है, तो ये बेसिकली रीडायरेक्ट हम यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यूआरएल फॉर ये बेसिकली स्टैटिक यूआरएल को लोड करने के लिए यूज होता है। फिर आगे फ्लैश यूज किया हुआ, तो अभी आप भले इसको थोड़ा सा छोड़ दें, रिक्वेस्ट तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। रिक्वेस्ट बेसिकली वो डेटा आप रिसीव करते हैं जो यूजर ने फिल किया होता है, ठीक है। और रेंडर टेम्पलेट क्या करता है कि टेम्पलेट को लोड करने के लिए सेकंड लाइन पे वो कह रहा है कि जी फ्रॉम फ्लैश MySQL DB इम्पोर्ट MySQL, मतलब हम MySQL से कनेक्टिविटी जो हमें लाइब्रेरी चाहिए उसको लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब उसको करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, तो ये आपको एरर देगा, इस तरह का एरर आएगा। कुछ ना ये भी मेरे पास आया था। इस एरर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली ये दो कमांड्स हैं ये आपको रन करने पड़ेंगे। तो जब आप ये दो कमांड्स रन कर लेंगे, अच्छा आप ये कमांड रन कैसे करके करेंगे, बेसिकली एक टर्मिनल में रन, यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड रन करनी होती है, ठीक है। तो वो जिस एनवायरनमेंट में मौजूद होगा उसी एनवायरनमेंट में वो दोनों चीज़ें क्या कर देगा, इंस्टॉल कर लेगा, और एप्लीकेशन भी उधर से ही रन करेगा, ठीक है। तो ये कमांड भी आपको रन करनी पड़ेंगी। अच्छा उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बेसिकली ये इंस्टेंस बनाने के लिए यूज होता है किसी एप्लीकेशन का, जस्ट हम क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं। और सीक्रेट की जो है ना बेसिकली ऐसे समझ लेंगे ये जहाँ एप्लीकेशन को थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, इसके भी हम बाद में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो ये चार लाइनें, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऐप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो MySQL का होस्ट है ना वो बेसिकली लोकल होस्ट है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर है वो इसी मशीन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जब मैंने सैम इंस्टॉल किया था तो बाई डिफॉल्ट उसने जो इंस्टॉल किया था यहाँ पे उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लोकल होस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरा डेटाबेस सर्वर किसी और दुनिया के किसी और पार्ट में मौजूद है, जैसे किसी और जो रिकमेंडेशन मौजूद है, तो वहाँ पे अगर मैंने एक्सेस करना तो उसको आईपी देना पड़ता है। तो अभी आप क्योंकि हम सिंपल मशीन पे हैं तो ये लिखेंगे, उसके बाद मुझे यूजर नेम देना पड़ता है रूट, और डिफॉल्ट इंस्टेंशन में हमेशा यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड क्या होता है ब्लैंक होता है। अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड कुछ रखा था इंस्टॉल करते तो फिर आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाएंगे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये बेसिकली वो डेटाबेस का नाम है जो MySQL डेटाबेस है जो हमने बनाई थी बेसिकली PHP MyAdmin में, जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। तो ये वाली बेसिकली, ठीक है, ये जो हमने PHP MyAdmin में आके यहाँ पे डेटाबेस बनाई CRUD वाली, ये वो है उसके अंदर ये टेबल भी। तो ये टेबल भी बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा फिर बता दूंगा, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे ख्याल में, पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझे लिखेंगे, मतलब कोई भी इशू होता है तो फिर उस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक और वीडियो में। और कल फिजिकल क्लास होगी हमारी, तो इंशाल्लाह उस क्लास में भी यू कैन आस्क क्वेश्चंस, हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जी डिफॉल्ट राउट है बेसिकली, ये राउट कब कॉल होता है, जब हमारे पास क्या होता है जी, तब से हम राउट जाते हैं हमारे पास ये, मतलब हम लोकल कॉलर लगा के फॉल कॉलर लेकर आगे हम कोई भी बात चीज देते हैं स्लाइड में एंटर नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, ये हमने फिजिकल क्लास में मैंने आपको बताया था, समझाया भी था काफ़ी देर से, हमारी डिस्कशन भी हुई थी। तो अच्छा उसके ऊपर देखें फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स फंक्शन का कोड पहले तो कुछ नहीं था, अभी हम थोड़ा सा कोड लिख दिया है। तो ये कोड है 3-4 लाइनों का, ये कर क्या रहा है बेसिकली, अगर आप गौर से देखें तो ये बना रहा है पहली लाइन में, अगर उस लाइन को देखें तो MySQL जो हमने ऊपर लाइब्रेरी लोड की है डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर, ठीक है। तो बेसिकली हम एक कनेक्शन बना रहे हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हम कर्सर को ऑब्जेक्ट बनाया, और कर्सर के ऑब्जेक्ट में हमने जी हमने डेटा क्या चाहिए, तो हमें पता है कि उस डेटाबेस में हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें डेटा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे कोड के जरिए बता रहे हैं कि स्टूडेंट के टेबल में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है तो वो सारा फेच करके दिया, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट कमांड है ये क्या करती है, बेसिकली ये सारा डेटा फेच करके आपके पास इस वेरिएबल में पुल कर दे। उसके बाद हमने कर्सर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा डेटाबेस कनेक्शन दोबारा से क्लोज होगा, हम थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन ओपन किया, डेटाबेस टेबल से डेटा पड़ा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसको क्लोज कर दिया।
ये भी लाइन आगे से लिखी हुई है, बेसिकली रेंडर टेम्पलेट है, ऊपर हमने लाइब्रेरी लोड की, ठीक है। और ये बता रही है कि आपने जी इंडेक्स 2.html को लोड करना है। अच्छा ये अब इंडेक्स 2.html कहाँ पड़ी होगी, ये आप देखें तो ये आपके पास टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ये पड़ी हुई है। इसको भी मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइल ओपन होगी, इसको भी हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं इसमें क्या है। तो ये फाइल ओपन कर लेगा और उसके अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स का डेटा पास कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या करेगी, इस डेटा वेरिएबल को स्टूडेंट्स को असाइन करके इसको भेज रही है इस इंडेक्स डॉट टू एच टी एम एल। तो आगे जो इंडेक्स डॉट टू एच टी एम एल है ये क्या करती है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पहली वीडियो का, ताकि मैं आपको लिस्ट वाली स्क्रीन में थोड़ा सा इसको ओवरव्यू भी दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट भी बताऊंगा और फिर हम उसको फिजिकल क्लास में भी देखेंगे। और अगर आप लोग इसको लैपटॉप से अपने कंफिगर करके ले आते हैं, आपको इश्यूज आते हैं, तो हम उसको भी डेफिनेटली फिजिकल क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम अगर इंडेक्स डॉट टू एच टी एम एल को देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो वो जो हमारे पास ये व्यू फंक्शन होते हैं या जो कंट्रोलर फंक्शन होते हैं, ये बेसिकली या तो स्ट्रिंग वगैरह भेज सकते हैं या एच टी एम एल का पेज वापस भेज सकते हैं। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, सिंपल एच टी एम एल का फंक्शन भेज रहा है, एच टी एम एल की फाइल टेम्पलेट फाइल भेज रहा है, ठीक है। तो अब ये टेम्पलेट फाइल क्या करती है, सबसे पहली लाइन में ये इंक्लूड हेडर डॉट एच टी एम एल कर, मतलब ये हेडर के अंदर जो एच टी एम एल है ना वो सारे इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इंक्लूड करने का फायदा ये होता है कि ना आपका ना कोड चंक्स में हो जाता है, जैसे मतलब हेडर वाला कोड आप इंक्लूड में रख लें, फुटर वाला एक फाइल बना उसमें रख लें, इस तरह जैसे उसने ऐड वाला फॉर्म है वो अलग रखा हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी फाइलें बनाई हैं, जैसे इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलरिटी है कि कोड को मेंटेन करना आसान होता है, आप एक जगह चेंज करें सब जगह चेंज होता है, तो इस वजह से हम मॉड्यूलरिटी बनाते हैं, छोटी छोटी फाइलें बनाते हैं। बाकी मैं इसको आपको फिजिकल क्लास में उधर मजीद देर से बताऊँगा, डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी देखें यहाँ पे वही एच टी एम एल हेड का सेक्शन है और उसमें ये बेसिकली लिंक कर रहा है किसके साथ, सी एस एस बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। तो अभी ये देखें यू आर एल फॉर, बेसिकली ये क्या कर रहा है कि यू आर एल बना रहा है उसका स्टैटिक फोल्डर में इस फाइल के लिए, मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप को लिंक कर रहा है। अगर आप जो स्टैटिक वाले फोल्डर में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो बता रहा है कि सी एस एस के फोल्डर में जाओ, ये हम सी एस एस के फोल्डर में आ गए, वो बता रहा है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस की फाइल पड़ी हुई है, देखें ये पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो बेसिकली यहाँ पे और ये जो रेल फाइल्स, ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स पहले भी मिड सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसको ना पाइथन या फ्लैश में लोड करने का, बूटस्ट्रैप को लोड करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये हमने जनाब उसको लोड कर लिया, सेकंड लाइन है दिस इज फिलहाल नॉट इम्पोर्टेंट, इसको आप छोड़ दें, इसको बाद में देखेंगे। तो अच्छा सेकंड देखिए, हेड क्लोज कर दिया उसने, बॉडी स्टार्ट किया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या करते हैं, सरेंडर क्लास कंटेनर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बूटस्ट्रैप का कंटेनर प्रोवाइड कर दिया है जिसको हम 12 क्रेट में तकसीम करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल उसने वेल बना के ना टेक्स्ट को सेंटर, मतलब एरिया बनाया जिसमें टेक्स्ट उसने सेंटर कर दिया, जो ऊपर के बेसिकली ये यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला। तो ये जो चीज़ है ना ये हेडर से आ रही है, उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना ये उसकी अपनी जो इंडेक्स टू की है कोडिंग आइटम 1 से आ रही है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, अगर हम इंडेक्स टू में देखें हेडर के बाद वो क्या कहता है, इसने फिर दोबारा लिंक किया हुआ है आइटम में, पैसा जोड़ना और दो लिंक है दोनों, तो वैसे फायदा तो नहीं होता आइटम को, तो ऐसा समझ लें कि ये काम दो जगह किया हुआ, वैसे ये ऊपर हो गया था तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके बाद में ये बॉडी ब्लॉक्स हो गया, ठीक है। तो पाइथन टेम्पलेट बनाते हुए आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं, आप उनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आप उनमें वेरिएबल्स नेम में डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ में अगर मैं इधर आपकी बुक भी खो लेता हूँ टेम्पलेट्स वाली, अगर आप इस तीसरा चैप्टर देखेंगे ना तो इसमें ये सारा उसने बताया हुआ कि टेम्पलेट होते क्या है, बेसिकली टेम्पलेट का फोल्डर का स्ट्रक्चर उसने बताया हुआ है, उसके अंदर जो फाइलें बनती है, ठीक है। और ये टेम्पलेट रेंडर कैसे होते हैं ये उसने वो फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें अभी मैं जो आपको पहले बता दूँगा, ये फिर उसने बताया हुआ है जैसे एक वो वेरिएबल कैसे पास करते हैं, जैसे वहाँ से हम स्टूडेंट्स का डेटा लेके आए हैं, तो ये इसी तरह इसमें आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, और ये चीज़ें आप मेरे ख्याल में पाइथन के कोर्स में पढ़ रहे होंगे, इस तरह उसने इंक्लूड के बारे में भी बताया हुआ है सारा, तो ये आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, इस तरह इसने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कैसे किया जाता है ये बताया हुआ है, ये इसने कोड के जरिए किया हुआ है, आप मतलब स्टैटिक फोल्डर में भी प्लेस कर सकते हैं या एक ये कमांड भी प्रोवाइड करता है, पैकेज प्रोवाइड करता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए ना। तो ये जो सारा है ना ये आपको चैप्टर 3 जो है ना हमारा कवर,
इस तरह कुछ वगैरह के जी कस्टम एरर पेजेस होते हैं, तो ये मैं आपको फिजिकल क्लास में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, उनको यूज होते हैं। तो बाकी आप लोग इस चैप्टर को भी एक दफा थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मेरे ख्याल में आपको काफी सीखने के लिए हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा इस कोड के अंदर। तो इस लाइन को भी छोड़ दें, ये मैसेज दिखाने के लिए है, अभी हम मैसेज पे नहीं आते हैं, हम जाते हैं सीधा जहाँ पे डेटा हमारा डिस्प्ले होगा। ये देखिए बेसिकली उसने टेबल की फॉर्म है, एक बूटस्ट्रैप का टेबल की क्लास यहाँ पे अप्लाई कर रही है, जिसको उसने कहा हुआ कि मतलब टेबल बनाया उसको क्लास टेबल, और टेबल स्ट्रिप लगा दी है, फिर ये आके उसकी हेडिंग बना दी है, मतलब सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल क्या है, फोन क्या है, फिर आगे एक्शन वाला कॉलम। तो बेसिकली ये वाला चीज है ना, ये हेड एरिया बना रहा है सीरियल एक्शन। ठीक है, तो ये चीज बन रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो नीचे उसने ये देखें यहाँ पे बेसिकली ना ये पाइथन का हो रहा है। ठीक है, ये जो टेम्पलेट शो कर रहा है ये ब्रैकेट और ये बता रहे हैं आप जो आगे आ रहा है ना ये पाइथन, यहाँ पे ये लूप लगा रहा है फॉर। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी देखें कि आप ना ये रेंडरिंग करते हुए पाइथन के टेम्पलेट्स के अंदर, मतलब ये टेम्पलेट एस्टिमेट था, इसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्टली ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे तो फिर तो रन नहीं होगा, लेकिन अगर आप फ्लास्क इसको रन करेंगे तो ये कोड वैसे काम करेगा जैसे पाइथन में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फॉर लो इन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स का जो डाटा पीछे से पास हुआ है इस व्यू में, उसमें से पहली रो उठाओ, उसके लिए लूप आइटरेट करो। ठीक है, और जो पहला टी डी है उसमें क्या चीज रख दो, रो डॉट जीरो, मतलब जीरो कॉलम पे जो डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जीरो कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, सीरियल नंबर। ठीक है, इसी तरह सेकेंड कॉलम पे ये पड़ा हुआ है, इस तरह उसने मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे प्लेस कर दी। तो मतलब सेकंड सेल में वन पे जो पड़ा हुआ है, वो टू पे जो पड़ा हुआ है, वो थ्री, ये बेसिकली इंडेक्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो उसने कितने इंडेक्स बनाए हुए हैं, एक दो तीन चार पांच कॉलम। ठीक है, तो पहले चार तो वो लूप से डेटा ले रहा है और पांच में उसने खुद से बनाया है। ठीक है, तो और आगे फिर वो लिंक भी बना रहा है, और लिंक बनाते हुए वो बेसिकली देखें दो चीज सेट कर रहा है, एक तो वो राउट सेट कर रहा है किसने किस राउट पे जाना है, प्लस क्या डेटा लेके जाना है। तो ये भी मैं आपको फिजिकल क्लास में बताऊंगा काफी चीजें, मतलब हम ये सॉल्व करेंगे इधर। और इस तरह ये मॉडल बेसिकली बूटस्ट्रैप वाला लोड हो रहा है, तो बूटस्ट्रैप में आपको बता चुका हूँ मॉडल में, तो फिर डिस्कस कर लेंगे ये उसका जो मॉडल वाला फॉर्म है ये हो रहा है। तो अभी हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आप सिर्फ इस लूप तक रहे, ये लूप एंड बेसिकली हो रहा है आई थिंक ये इस रोड के बाद मतलब वो ये रहा है कि जितनी रोज बन रही है उनके डायलॉग बॉक्स जो एडिट वाले हैं ये भी साथ ही बनते जा रहे हैं, मतलब इसरो का डायलॉग बॉक्स, इसरो का डायलॉग बॉक्स के साथ बन रहा है, जो डिस्प्ले पे डिस्प्ले करते हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स भी वो इधर साथ ही बना रहा है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी आप इसको ना देखें इतनी डिटेल से, ये हम इस वीडियो के बाद देखेंगे। तो मतलब फिजिकल क्लास पढ़ने के बाद फिर इस दिन आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कल पाँच बजे के बाद। ठीक है, यहाँ तक देखें तो आपने ये चीज़ें कम्प्लीट हो गई हैं, हमने बेसिकली देखा क्या कि जैम कैसे इंस्टॉल होगा, अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ तो हमने जैम को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर हमने देखा जनाब के जी उसको कनेक्ट कैसे करना है, कोड को डाउनलोड कैसे करना है। तो वैसे मैं टूल यूज कर रहा हूँ गिटहब का, आप इधर डायरेक्ट जो है ना यहाँ से मतलब इधर से गेट कोड भी कर सकते हैं, ये कोड आपने गेट करना है, ये कोड लिखा हुआ है जिसमें आप ट्रेन कर रहा हूँ कि आपने किसी का कोड कैसे करना है, तो लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्लास में। ठीक है, ये कोड आपने रन करके जनाब इस कोड को आपने इधर कॉन्फ़िगर कर लेना है फाइल में जाके न्यू फोल्डर ओपन फोल्डर से, और यहाँ पे इस तरह से फिर आपके पास रन हो जाएंगे, और यहाँ से आप एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपके पास कुछ एरर मैसेजेस आएंगे, तो ये जो पैकेज है ना बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर आपने पहले फ्लास्क भी नहीं की तो वो भी आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने इस वजह से की क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में फ्लास्क कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर
आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने जो चैप्टर 3 है ये जो है ना ये लाजमी पढ़ लेना है बिफोर कमिंग टू द फिजिकल क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट फिजिकल क्लास में आने से पहले आप ये लाजमी पढ़ के आइएगा और ये वीडियो देख के आइएगा ताकि हम इस पर डिस्कशन कर सकें। और फिर नेक्स्ट जो ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एडिट और डिलीट की जो फंक्शनलिटी है प्लस जो आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू इन क्लास टुमारो। थैंक यू फॉर योर टाइम।